नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो डाइवोर्स के एक नए आधार के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। वो नए आधार कौन से हैं, मतलब ग्राउंड क्या है जिसके आधार पर डाइवोर्स मिल सकता है, तलाक मिल सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, जो भी लीगल टॉपिक अपडेट हो सबसे पहले आप देख सकें। दोस्तों होता क्या है, 2013 में एक कपल की शादी होती है और तकरीबन एक आध महीना कुछ समय जो वाइफ होती है वो पति के साथ रहती है, उसके बाद वो उनसे अलग हो जाती है। और तकरीबन जो पति होता है तकरीबन 2016 तक वाइफ का इंतज़ार करता, शायद अब आए लेकिन वो नहीं आती है। इसके बाद में पति ट्रायल कोर्ट में, यानी कर्नाटका का मामला है, कर्नाटका के ट्रायल कोर्ट में एक केस डालता है जिसमें पत्नी को 2016 में एक नोटिस पत्नी को कोर्ट द्वारा भेजा जाता है कि आप आकर साथ में रहिए। और जो ट्रायल कोर्ट होती है हस्बैंड वाइफ को एक साथ में रहने की जो निर्देश होते हैं, जो आदेश होते हैं वो दे दिया जाता है कि आप लोग एक साथ में रहिए। लेकिन होता क्या है, इसके बावजूद जो पत्नी होती है वो पति के साथ में बिल्कुल नहीं रहती है। कर्नाटका हाईकोर्ट में एक याचिका डालता, वहाँ पर जो याचिका डाली जाती है सीधा डाइवोर्स के लिए डाली जाती है। अब कर्नाटका हाईकोर्ट में जब मामला जाता है तो कर्नाटका हाईकोर्ट के विद्वान जस्टिस एस आर कृष्ण कुमार और जस्टिस जी बसवराज की खंडपीठ द्वारा केस की सुनवाई की जा रही होती है। और होता क्या है, क्योंकि दूसरा पक्ष तो आता नहीं, प्रतिवादी यानी कि वाइफ पत्नी नहीं आती है उस केस में, पति ही जाता है और डाइवोर्स के लिए मांग करता है। तो जब पति द्वारा डाइवोर्स की मांग की जाती है तो कर्नाटका हाईकोर्ट के विद्वान जस्टिस द्वारा जब सभी दलीलों को सुनी जाती है उसके बाद ये डिसीजन लिया जाता है कि अगर ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया, मतलब जो वैवाहिक जीवन होता है उनके जो अधिकार होते हैं, उनके जो कर्तव्य होते हैं, उनको पालन करने के लिए साथ में रहने के लिए अगर पत्नी इन अधिकारों को बहाल नहीं करती है, अर्थात पति के साथ में नहीं रहती है, वो अलग रहती है, और जो भी इनके कर्तव्य और ड्यूटी होते हैं हस्बैंड वाइफ के, अगर वाइफ नहीं पूरा करती है तो ये तलाक का बहुत बड़ा आधार है, यानी कि डाइवोर्स का बहुत बड़ा ग्राउंड है और इस आधार पर पति को तलाक मिल सकता है। और यही कहते हुए याचिकाकर्ता यानी पति को डाइवोर्स की जो डिग्री होती है वो माने कर्नाटका हाई कोर्ट द्वारा पास कर दी जाती है। दोस्तों ये वीडियो छोटी सी थी लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी। आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताइए। मैं फिर मिलूंगा ऐसे लेगा टॉपिक अपडेट लेकर। जय हिंद।